Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sima Kavran here with you from Nature's Nectar. आज हमारे साथ कौन है? Assalamualaikum Ruhi. She's Ruhi, my best friend और हमारी team member. आज हमारा breakfast का plan था. Breakfast हमने कर लिया मजे से और अब सोचा कि आपके साथ भी हम थोड़ी सी chit chat कर लें. Comments हम बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे मगर आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें जरूर बताएंगे. ठीक है? तो जी रूही ने 2 months back join किया था ना? जी बिल्कुल. और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर चल रहा है. तो आवाज समय थोड़ी सी ज्यादा कर ली. अच्छा जी, जरूर जरूर. क्योंकि मेरा लाइफ का इतना एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन जब से मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अच्छा हो रहा है और मेरी मेंटोर मेरी बहुत हेल्प करती हैं, हर चीज में मुझे बहुत गाइड कर रही हैं, तो जिसकी वजह से इंशाल्लाह अच्छा जाएगा सब. और मुझे ऐसा लगता है कि फॉरएवर जो है ना, जो एक फीमेल का इमेज बना हुआ है कि दूसरों को आप खासतौर पर फीमेल को बहुत नेगेटिविटी देते हैं, काटते हैं, तो फॉरएवर की सबसे अच्छी बात है कि वो आप एक पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे होते हैं. मेरे नज़दीक फॉरएवर का ये सबसे अच्छी चीज़ है कि ये बहुत सपोर्टिव है किसी को. वरना फीमेल की जो क्वालिटी है ना, यानी पता नहीं इसको क्वालिटी कहना चाहिए कि नहीं, वो एक जेलसी का एक फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है और वो इसमें नहीं. इस फॉरएवर में हर बंदा हर मेंबर अर्न करेगा और वो कोई अर्निंग कोई दूसरी उसकी छीन नहीं सकता. तो ग्रोथ अच्छी, ग्रोथ अच्छी. और देखो जो लर्निंग से है वो अर्निंग है, तो जो लर्निंग है ना इल्म, वो खजाना है जो कोई छीन नहीं सकता. तो इससे जो पर्सनालिटी ग्रोथ होती है, जो आपकी रिलेशन बिल्डिंग होती है, जो आपको इसके बहुत अच्छा पॉजिटिव प्लेटफॉर्म मिलता है. मुझे तो ऐसा लगता है सबसे पहले तो यही अर्निंग कि आप उस नेगेटिव जोन से अपने आप को निकालना सीख के एक पॉजिटिव प्रोडक्टिव जोन में आ जाते हैं और आप बहुत अच्छा माइंडसेट के साथ एक क्रिएटिविटी में चले जाते हैं कि आपको कि कुछ ना कुछ रोज़ नया करना है वो अपने अपने बिजनेस के लिए, उसमें एफर्ट भी करनी ताकि अर्निंग भी अच्छी हो. बिल्कुल ठीक है. हमारी आवाज़ अच्छी आ रही है आप लोगों को? ठीक आ रही है? जा रहा है? कोई कमेंट्स आ रहे हैं? आ रहे हैं आई थिंक. कुछ लोग देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं कुछ. सॉरी जी, हम लोग आपके मैसेजेस अभी देख नहीं पा रहे हैं करीब से, लेकिन इंशाल्लाह बाद में रिप्लाई करते हैं. जी बाद में इंशाल्लाह देख के रिप्लाई करते हैं. आज हम बात कर रहे थे कोलाजन के हवाले से. तो कोलाजन बेसिकली क्या है? आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया ना वही कोलाजन का, व्हाट इज दिस? लेकिन मैं भी इसके बारे में पहले ज़्यादा जानती नहीं थी कि कोलाजन क्या है. बस इतना पता था कि हमें आफ्टर 40s इसको लेना चाहिए. लेकिन अब जैसे मैंने इसको ज्वाइन किया है और मैं खुद इसको कंज्यूम कर रही हूँ तो फिर मुझे ये समझ आई कि आफ्टर 30s हम सबको ही इसकी ज़रूरत है क्योंकि ये हमारी इंटरनल और स्किन आउटर स्किन के लिए भी सबके लिए ही बहुत ज़रूरी है, हमारी पूरे बॉडी फंक्शन के लिए. तो और इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग हैं क्योंकि आप जब अपने आप को ग्लोइंग और फ्रेश और एनर्जेटिक फील करेंगे तो आपको रिजल्ट तो मिलेंगे. आपको अच्छा फील होगा और आपको ये भी पता चलेगा कि ये हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है और हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, एक्चुअली सारी हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो प्रोटीन बेस्ड है. तो उन सब के फंक्शंस के लिए ये हमें आउटर सोर्स से कोलेजन लेना पड़ता है क्योंकि हमारी अपनी बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं कर रही. जैसे आपने बताया कि ये पर ईयर हमारा 1% कोलेजन डिक्रीज हो रहा है. तो उसको हम फूड सप्लीमेंट्स फूड के जरिए हम उतना नहीं रिकवर कर सकते हैं. तो हमें आउटर सोर्स में कोलेजन लेना शुरू. और दूसरा ये है कि हम जो बेस्ट फूड ले भी रहे हैं, एक तो वो सबका सब जो है ना इंजीनियर्ड फूड है, उसमें आर्टिफिशियल एंजाइम्स, प्रिजर्वेटिव्स, हार्मोन इंजेक्शंस इतने ज़्यादा हैं कि वो प्रोटीन जब हमारी बॉडी के अंदर जाके ब्रेक डाउन होती है और जो हमारा अब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है, हमारी बॉडी में कैपेसिटी नहीं होती कि उसको ऑब्जर्व कर पाए, तो मोस्टली वेस्ट हो जाती है. तो इसलिए जो प्रोसेस्ड कोलेजन है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड उसको प्रमोट किया जा रहा है. वो आप दिखा सकते हैं जी, वी हैव दिस और इसमें 30 सेशंस हैं. अच्छा, इसकी एक बड़ी मज़े की जो
मुझे ऐसे लगता है एग्जाम्पल वो क्या है कि एक छोटा बेबी जब पैदा होता है तो वो ऑलरेडी क्यूट लग रहा होता है, लेकिन जैसे 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 बच्चे ग्रो करते हैं, एडोलेसेंस में जाते हैं और जो टीन्स में आते हैं, एकदम से उनकी स्किन उनकी कितना प्यारे लगने लग जाते हैं, बूस्ट करने लगते हैं। तो बल्कि कुछ एक दो दफ़ा ऐसे भी हुआ कि छोटे बच्चे 8-10 साल की बच्चियाँ थीं, तो हमारे पंजाब में तो बड़े ब्लंट होते हैं, वो कहते हैं है कि देते चली गई कैसा की बनेगा। लेकिन वही बच्ची को जब आपने 14 और 15 में देखते तो ओ माय गॉड इसी जितनी चाहिए, व्हाई? क्योंकि अंदर से जब उसके उनके हार्मोन बूस्ट करते हैं कोलेजन बढ़ता है बॉडी में, जब कोलेजन बढ़ता है तो स्किन ग्लो करती है, स्किन ग्लो करती एनर्जी जो होती है ना यूथ जवानी वो रिफ्लेक्ट करती है हमारी स्किन पे, तो वही एनर्जी जब डिक्रीज होने लगती है तो स्किन एजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो एजिंग को कोई रोक नहीं सकता मगर उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं, और ये उसके लिए बेस्ट है सोर्स। अच्छा ये क्या सिर्फ स्किन के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है वो आप ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमारे जो इंटरनल हेल्थ है, जो हमारा हार्मोन्स का सिस्टम है, हमारी जो बोन्स हैं, हमारे जो लेगमेंट्स हैं, हमारे जो मसल्स हैं, इस सब की एनर्जी जब अपनी अपनी जगह पर जो अल्लाह के डिज़ाइन के मुताबिक पूरे एनर्जी फिल अप विद एनर्जीज होती हैं, स्किन भी उसी तरह फिर ग्लो करने लगती है। स्किन रिफ्लेक्ट्स योर हेल्थ कंडीशन। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, सब समझते हैं कि इसका फंक्शन सिर्फ हमारी आउटर स्किन के लिए, तो इनर ऑर्गन्स के लिए ये कितना यूजफुल है? हमें यानी इसको लेने के बाद हमारे हार्ट ब्रेन जो आपने मुझे एक्सप्लेन किया उसको कितना ये बेहतर कर सकता है? अच्छा देखिए, सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है ना हार्ट और ब्रेन, हेड ब्रेन इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द बॉडी एंड स्टमक इज़ द सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी। अब इन दोनों की कनेक्टिविटी हो नहीं सकती जब तक कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना हो, और ब्लड की प्योरिफिकेशन ना हो तो ब्लड जाएगा तो सही मगर थका हो, यू नो एनर्जीज नहीं लेके जाएगा, तो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। ये लीवर डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। जी लीवर डिटॉक्सिफिकेशन और एलोवेरा भी करता है। अब इसका कॉम्बिनेशन बताती हूँ, क्योंकि ये अमीनो एसिड है ओमेगा 3 के साथ है, और ये जो है ये है इसके ऊपर लिखा भी हुआ है जी इसके साथ, और विटामिन सी भी है। विटामिन सी जितने भी अमीनो एसिड प्रोटीन्स होते हैं ना, विटामिन सी जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है उसके बगैर हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होता, और ये अप टू 1,000,000 टाइम टेस्ट किया जाता है और उसके बाद हमारे पास आता है, और अप टू 179 कंट्रीज के जितनी हेल्थ अथॉरिटीज हैं, जितने वहाँ के जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं म्यूनसिपैलिटी बल्दिया, वहाँ के जितने भी वो हैं WHO से वेरीफाइड है, सर्टिफाइड है, हलाल है, वीगन फ्रेंडली है, और हम लोग जो बहुत सारी क्रीम्स लगा रहे होते हैं जस्ट 20% हमारी बॉडी पे वो काम करते हैं, लेकिन जो इंटरनल हेल्थ है अगर वो अच्छी है तो आपकी स्किन खुद ही ग्लो करेगी। और एक बात मैं और ऐड करना चाहती हूँ, जब तक आप ये प्रोडक्ट्स खुद नहीं यूज़ करेंगे आपको इनके बेनिफिट समझ नहीं आएंगे। उसकी एग्जांपल मैं खुद हूँ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ बहुत अरसे से इनके कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी, लेकिन जब से मैंने ज्वाइन किया वो फिर मैंने कम्प्लीटली इसका पूरे पैकेजेस को यूज़ करना शुरू किया, तो आप यकीन जाने कि इनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मेरी स्किन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो कि लेज़र के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, एक छोटी सी क्रीम ने वो काम किया जो लेज़र ने करना। आप बताइए ना, मुझे बहुत ज़्यादा अंडर आइज वो है मिली है, वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी स्किन में फैल रहा था। अभी जब से मैं MSM क्रीम यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर की, तब से मेरा वो कंट्रोल हो गया और कुछ ऑटोमेटिकली पॉप अप होके निकल गए, और मैं हैरान हूँ कि जो डॉक्टर्स जो नॉर्मली हम रिसर्च करते हैं इसके बारे में तो उसका कोई और इलाज नहीं था, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि मेरे थाउजेंड्स दिरहम्स बचे और एक छोटी सी क्रीम, लेकिन हम उसकी प्राइस देखते हैं और हम ये समझ नहीं रहे कि इसके फ़ायदे कितने हैं, और वो नेचुरल है
और वो आर्टिफिशियल लेजर मशीन का कुछ भी नहीं है। और अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है, मेरे कुछ स्कार्स थे, मुझे लगता है वो फिल होना शुरू हो गया। तो अगर हम ये इंटरनल भी यूज़ करते हैं और फिर बाहर से भी हम कुछ क्रीम्स यूज़ करते हैं फॉरएवर की, तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट। अच्छा जी, इसके अंदर है 30 सेशन और एक महीने के लिए काफ़ी है। और ये हमें कितने का पड़ता है? 3 dirham and 50 fils का पर डे। पर डे तो क्या और हम फिर भी इसको महंगा समझते हैं। 3 dirham and 50 fils क्या आप अपने लिए नहीं लगा सकते? इट्स नॉट सेल्फिशनेस। सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिशनेस, क्योंकि जब आप सेल्फ केयर करते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, अपनी फैमिली को अच्छा सर्व कर सकते हैं। एंड आई बिलीव ब्यूटी इज ब्यूटी, देयर ड्यूटी इज ड्यूटी, उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और उससे ज्यादा कौन नहीं खूबसूरत दिखना चाहता, या कौन फ्रेश नहीं लुक अपनी रखना चाहता, या कौन नहीं चाहता कि उसको देख के सब कहें कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तो ब्यूटी के लिए भी केयर तो करनी है। हम बाहर से बहुत सी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, लेकिन आप इसको भी ट्राई करके देखें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट इंशाल्लाह होंगे। और पूरी दुनिया में कोलाजन 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 बहुत इतने बार्स इतने जार्स मिल रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई आपको चेक बैलेंस नहीं है कि आप कैसे उसको उस पर ट्रस्ट करेंगे। और उसमें वो हलाल हैं नहीं हैं, आपकी बॉडी में वो क्या जाके करेंगे उसके फंक्शन के, इसके साथ हम आपको कंसल्टेंसी फ्री देते हैं। ये सबसे बड़ी बात। और आप हमारे साथ जब तक आप इसको यूज करेंगे 1-to-1 आप हमारे साथ रहेंगे। यस, अगर आप इसके साथ एलो ड्रिंकिंग जेल मिला लेंगे तो वेट भी कम होगा और फ्रेश हो जाएंगे। क्योंकि और इसके बारे में हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ये बॉडी डिटॉक्स करता है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये आपको बहुत पूरा दिन बहुत रिफ्रेश रखता है और आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस हो जाती है। आप पूरा दिन अपने आप को आपको मोटिवेशन मिलती है कुछ काम करने की, जो आप सारा दिन थके थके लेजी रहते हैं वो सब कुछ ठीक हो जाता है। और तो हम इनके फंक्शंस ना बहुत लिमिटेड समझ रखे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा। तो आपकी बॉडी बहुत टायर्ड और फिटिक आपको रहती है, आपकी सैगिंग स्किन होती है सब कुछ, और अपना मेनोपॉज को बहुत स्मूथ करना चाहते हैं। अगर आपको अर्ली हॉट फ्लैशेज स्टार्ट हो गए हैं और आपको इचीनेस है बहुत ज़्यादा बॉडी में, मुझे बहुत ज़्यादा स्कैल्प में इचीनेस हो रही थी, तो आप दुनिया में बेस्ट चीज़ आपकी इन सारी चीज़ों के लिए है एलोवेरा। तो इससे अच्छा आपके लिए कोई चीज़ नहीं है अगर आपका प्री मेनोपॉज या मेनोपॉज के आप उसमें फेज में है। एग्जैक्टली। और देखिए मेनोपॉज क्या है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, लेकिन हर बंदे पे डिफरेंट हो। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं उसमें स्मूथली गुजर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी होती हैं, उनकी मेंटल कंडीशंस अच्छी होती हैं। बिकॉज जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है ना, ये गेम को चेंज कर देता है, जो हम सोचते हैं पॉजिटिविटी आती है। क्योंकि आपके अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं, आपके इंटेस्टाइन है, एक नॉर्मल इंटेस्टाइन है, जैसे एक 5 feet की बनती है, उसके इंटेस्टाइन के अंदर 25 feet के लता लगा रखी है। अब तो क्या छोटा सा पेट है, बड़ा बड़ा भी होता है वैसे, मगर ना उसके अंदर 25 feet की मिनिमम हाइट होती है। नहीं, वो हम पेट हमारा बड़ा हो या छोटा हो, हमारा जो अल्लाह ने स्ट्रक्चर बनाया उसके अंदर वो जो फ्रेम है बोन्स का, उसके अंदर तो उसी साइज का है ना जी। तो उसके अंदर एक नॉर्मल बन जिसका BMI अच्छा है, 5-7 kg टॉक्सिन उसके अंदर भी एक साल में भर जाते हैं। और हम सबको ही डिटॉक्स करना होता है। अगर आप 6 months में एक बॉटल के साथ डिटॉक्स करें, या एटलीस्ट साल में एक बॉटल के साथ करें, एक C9 करें, आप अपने नेक्स्ट ईयर की आने वाली बहुत सारी डिजीजेस, इलनेस, सडन शॉक्स को प्रिवेंट कर लेते हैं। तो वो जो बहुत लंबे लंबे हम जाके डॉक्टर्स पे बिल बनाने, व्हाई नॉट, सोचिए अपने बारे में, मोहब्बत कीजिए अपने से। और अगर थोड़ा सा अगर आप अपने लिए बजट निकालते हैं तो ऑब्वियसली ड्यूटी भी पूरी करने में आसानी होती है, क्योंकि फीमेल की एनर्जी के बगैर घर खुश नहीं। बिल्कुल।
आपको अपनी हेल्थ के लिए बहुत केयर करने की जरूरत है और अपने आपको खुश रखें। खुश रखें तो ये अंदर से जब बहुत सारे कचरे साफ होंगे तो आपको खुशी खुद का होता आ जाएगी। बिल्कुल। तो अभी क्या है, क्योंकि रूही हमारे घर आए हैं और इस को प्रमोट किया जा रहा है, तो इन दोनों के कम्बिनेशन पे हम लोग 15% ऑफ दे रहे हैं। कब तक देना रूही? आज के पूरा ये मंथ ऑफ जुलाई के अंत तक अगर आप जैसे रूही कहें जी, माय गेस्ट टुडे तो इनके ऑनर में। ठीक है, इंशाल्लाह आप जितना भी जब तक आप चाहते हैं हम तब तक उसको डिस्काउंट पे रख सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्ट के लिए हम 15 दिन का डिस्काउंट देंगे। 15 दिन का हम ऑफर रख रहे हैं, आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स है तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। चलें जी, फिर अभी आप जो हैं हमें कांटेक्ट कीजिए, रूही को भी कांटेक्ट कीजिए। रूही जरा आप अपना नंबर बताइए। फोन नंबर ओके, चलो मैं इनका पेज टैग करती हूँ, बल्कि मैं उसके साथ आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोलाजन बहुत ज़्यादा है मगर नेचुरल कोलाजन, हलाल वीगन फ्रेंडली, बिल्कुल भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और जस्ट 300 3 दिरहम एंड 50 फिल्स डेली फॉर योर सेल्फ, शो सम लव टू योर सेल्फ, जो कि आपको इनसाइड आउट यूथफुल रखेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करके। आपको पता नहीं, ये नहीं तो पता था, जो आप शुगर की बॉर्डर लाइन पे जा रहे हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, PCOS हो रहा है और मेनोपॉजल प्री मेनोपॉजल फेज से आप गुजर रहे हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट्स वेरी सेफ रियली, यस फीडिंग मॉम के लिए। देखो जो प्रेगनेंसी में चीज सेफ है उससे बढ़ के क्या होगा, सही बात है, सबके लिए ही सेफ है। एजिंग में जो हमारे अम्मी अबू के घुटनों में दर्द, उठ नहीं पाते, लेगमेंट्स लूज, मसल खत्म, सेफ, क्योंकि कोलेजन हमारा वो जो बोन मैरो है उसकी इलास्टिसिटी को ठीक करता है, उसको भी सीख ठीक है। अच्छा जी, मजे की बात ये है कि जो डैमेज हो चुका वो होता है ये उसको भी रिवर्स करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने बोला कि ये हमारा हार्ट और ब्रेन की भी जो डैमेजेस हुए होते हैं उसको रिवर्स करता है, उसको रिवर्स करता है, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे ऑर्गन्स बेहतर फील करेंगे, रीफिल जैसे बोलते हैं ना, रीफिल हो रहे हैं, आपकी आईज ब्लरी हो रही है तो वो भी सही, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग और बेसिक चीज है। रिक्वायरमेंट आपकी, देखो आपको भूख लगी हुई नींद नहीं आएगी, है ना, तो आपके जो ऑर्गन की भूख है उनकी डिफिशेंसीज हैं उनको खत्म करके उनको एक अच्छा मजे का मील, फुलफिलिंग एनर्जी देता है तो फिर मजे का हो जाता है। तो ये एंड ऑफ मंथ ऑफर है और इसकी कहानी बड़ी लंबी है, कहाँ तक और मैं यही सोच रही थी कि मैं कितने बेनिफिट्स आपको बताऊँ कि ये एलोवेरा जब हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, ऑन एंड ऑफ भी अगर आप करते हैं, तो आपकी स्किन की बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। सिर्फ कोई एक मैंने तो एक अपना मीडिया का जिक्र किया, पिगमेंटेशन, आपकी डिसकलरेशन, आपकी रिंकल्स, बहुत सी चीजें ठीक होने लगती है, हाथ की स्किन चेंज हो रही है, मुझे फील हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है यंग हो रहे हैं, क्योंकि वो जो आपके पूरे यहाँ पे वेरिकोस बनना स्टार्ट हो जाती है, क्या होता है वेन्स की कमजोरी की वजह से, वेन्स पे प्रेशर आते हैं, फूलने लगते हैं, B12 की कमी की वजह से, बिकॉज दिस इज अ प्रोटीन, तो ये आपकी उसको भी सेटल करती है। इट्स अ बायोटिन जो कि हम हेयर हेल्थ के लिए खाते हैं, दिस इज वेरी गुड। जिंक जो होता है ये वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी 5 senses को इनहेंस करता है, आपकी जो स्मेल है, टेस्ट है, साइट है, हियरिंग है, फील है, तो जिंक इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और इसमें जिंक मौजूद है। तो आपने तो एक्चुअली एक में सप्लीमेंट्स भी ले लिए, सप्लीमेंट यस दिस इज, और सारी जैसे अभी आपने ये स्टार्ट किया उसके बाद 3 months के बाद आपको कुछ ना कुछ लेना चाहिए, हमारी डेली रूटीन में एक सप्लीमेंट तो होना चाहिए, इसके साथ भी ले सकते हैं। हाँ जी, इसके साथ जरूर ले सकते हैं और इसके साथ हम एलोवेरा भी ले सकते हैं, एलोवेरा वेट कम करने है तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ, और इसको इसमें मिक्स कर सकते हैं, मिक्स करें इसको आप 60 ml एलोड्रिंकिंग जेल मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक इसके साथ ये मिक्स कीजिए और फिर आप चले जाइए वॉक के लिए। अच्छा एक और चीज है, बिकॉज दिस इज अ प्रोटीन, जब भी हम कोई हेल्थ के बेनिफिट्स की बात करते हैं हम कहते हैं, आवाज आ रही है
ये सब नजर आ रहा है आप कौन से देखो ऐसे करते हैं हम इसको इधर रख लेते हैं क्या हाल इसको है ना क्योंकि नजर नहीं आ रहा ना ठीक क्योंकि पता नहीं चल रहा क्या मैसेजेस आ रहे हैं जी तो हम अभी आपको जरा मेकअप करने लगे हैं ठीक है अच्छा जी अब जो है अब आप एटलीस्ट मैसेजेस देख सकते हैं मुझे नजर आ रहा है ठीक है अच्छा हम क्या बात कर रहे हैं मनीषा हैं और जी मनीषा कोई क्वेश्चन है तो जरूर कीजिए आमना आसिफ अच्छा अभी मैं क्या बता रही थी उसके लिए इस बारे में मैं इसी के कोलेजन के हवाले से बात कर रही थी यस फाइव सेंसेस हाँ फाइव सेंसेस तो जो जिंक होता है ना वो हमारी पूरी फाइव सेंसेस को इन्हेंस करता है शार्प करता है जिसको ब्लरी आई का मसला हो रहा है तो उसको भी सेटल करते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ड्यू टू स्ट्रेस उनके ना ऐसे लगता है कि वो हेयरिंग नहीं प्रॉपर कर पा रहे उनकी साइट अच्छी नहीं हो रही स्मेल ख़त्म हो रही होती है तो इट्स यू नो इट बूस्ट योर गुड स्लीप अच्छी होती है तो उसके बाद आपका रिपेयरिंग हार्मोन अच्छा बनता है उसके बाद आपकी एनर्जी लेवल्स अच्छे होते हैं क्योंकि फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो रही है वेरी गुड माशा एक्सीलेंट और मैं एक बात और मैं भी एनर्जी की ख्याल रखूँ बोल गई फिर आ जाता हाँ जी हम ये कह रहे हैं कि इसके साथ आपको कंसल्टेंसी फ्री मिलेगी अगर आप डाइट प्लान बनाना चाहें कुछ वेट लूज करना चाहें तो यस यू कैन डू इट जस्ट 3 dirhams and 50 fils डेली फॉर योर सेल्फ और ये अपने आप को थोड़ी शो कराइए अपने से मोहब्बत और आप जो प्यारे लगेंगे पूरी फैमिली अच्छी लगेगी और आप थोड़ी सी हिम्मत करें और प्लीज हमसे कांटेक्ट करें आपको और अच्छा गाइड करेंगे हम इंशाल्लाह जी अब वन मोर थिंग खाली ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं अगर आप घर पे बैठ के कुछ अर्निंग करना चाहते हैं और आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा और आपको ऑनेस्ट अच्छे प्यारे हमारे जैसे लोग भी नहीं मिल रहे तो हम तो हैं ना क्या सोच रहे हैं कॉन्टेक्ट कीजिए बिल्कुल और घर बैठे अर्न कीजिए और अपने आप को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कीजिए कि आप भी कर सकते हैं बिल्कुल सही क्योंकि मनी ब्रिंग्स पावर बिल्कुल जब आपके हाथ में पैसा होता है बहुत सारी चीज़ें जो कि अननेसेसरी हम लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं दूसरे को देख रहे होते हैं या हस्बैंड को लोड कर रहे होते हैं महंगाई इतनी है सही बात सबको चाहिए तो और अपनी कमाई का एक अपना ही एक चार्म होता है बिल्कुल ठीक है तो आप सोचिए इस बारे में और इंशाल्लाह हमसे रब्ता करें हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड करेंगे इंशाल्लाह वन मोर थिंग अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है कोलेजन के हवाले से तो डू शेयर विद अस बहुत अच्छा लगेगा अगर हम उसको डिस्कस करेंगे ओके ठीक है चलें जी फिर चलते हैं और इसको ऑर्डर करने के लिए 15% ऑफ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हम मुझे भी और रूही को भी डाइट प्लान फ्री है और अगर इसके साथ हमारा एलोवेरा आप करेंगे ऑर्डर तो आपका वेट भी कम होगा ये लीजिए और एक बात मैं तो कहना भूल गई इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है बहुत मजे खट्टा खट्टा मीठा सा ऐसे लगता है कोई कैंडी ले रहे हैं तो सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको कोई वो प्रॉब्लम नहीं होगी इसको लेने में जी और यस ये आपने बहुत अच्छी बात याद कराई प्रोटीन्स कोलेजन सारी दुनिया कह रही है जब भी हेल्थ की बात होती है प्रोटीन 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 बिल्कुल लेकिन जनाब प्रोटीन आपकी बॉडी को आप सप्लाई कर रहे हैं बॉडी को कंज्यूम करने के लिए ऑब्जर्व करने के लिए गट हेल्थ चाहिए आपको एक एक्सपर्ट की राय चाहिए पेट तो बाहर के खाने खा के खराब हुए हैं सही बात है तो वो प्रोटीन आपको ब्लोट कर रही है वो प्रोटीन आपको कॉन्स्टिपेटेड कर रही है और वही प्रोटीन आपको रिफ्लेक्स दे रही है इनडाइजेशन दे रही है तो आपने अपनी गट हेल्थ पे काम करना है और फिर प्रोटीन पे काम करना है और वो कैसे करेंगे हम है ना बिल्कुल
सो कॉन्टेक्ट अस एंड थैंक यू सो मच रोहित, बहुत थैंक यू अच्छा वेरी लगा। मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर और फॉर द हेल्दी ब्रेकफास्ट जिसपे हमने कोलेजन भी लिया और फिर हमने बहुत अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट किया विद सैलेड। तो इनशाला वो सारी पिक्चर्स और वो सब हम वीडियोस शेयर भी करते हैं अभी अपने अपने ग्रुप पे। जी अपने अपने पेजेस पे भी करते जी, हैं, और किसी को पर्सनल पे हमारे ब्रेकफास्ट की पिक्चर चाहिए, और डिस्क्रिप्शन चाहिए हम ब्रेकफास्ट। स्मूदीज और ये ब्रेकफास्ट और सैलेड्स के बारे में भी आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जी बिल्कुल। अब आपने क्या करना है, लाइक शेयर और कमेंट, इतना तो बनता है। ठीक है, करना नहीं भूलना, और कीप इन टच विद अस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह वालेकुम। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय। हाँ जी, लाइव चला गया।